एक प्रश्न आया है कि पाली को बिल्कुल शुरू से बताया जाए कि पाली में, क्योंकि एक आम आदमी भी समझ ले कि पाली भाषा होती क्या है। पाली भाषा बहुत सरल भाषा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पाली के अंदर शय विषय वाला या षटकोण वाला शय और शलजम वाला या शेर वाला शय नहीं होता। उसकी जगह सिर्फ एक शय होता है, संसार वाला, या जो मेरा नाम है सुधीर, उसमें जो शय लगता है यानी बड़ा वाला, जिसकी भारी आवाज होती है शय। पूरी पाली प्राकृतिक भाषा के अंदर शय षटकोण और शय नहीं है, ये बाद में जोड़े गए हैं जब इसको संस्कारित किया गया, मॉडिफाइड किया गया, संस्कारित भाषा में जोड़ा गया। जो प्राकृतिक भाषाएं होती हैं उनमें अक्षर हमेशा कम होते हैं, जो संस्कारित भाषाएं होती हैं उनमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है और उनको बढ़ाया जाता है, या कभी कभी एका शब्द घटाया भी जाता है, मगर मोस्टली वो बढ़ाए जाते हैं। तो पाली के अंदर शय और षटकोण वाला शय दो शय नहीं है, तो इसलिए उनसे मिले हुए जो संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर उनको बोलते हैं, दो अक्षरों को जोड़ के जो अक्षर बनता है उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। तो जो संयुक्त अक्षर है, कंपाउंड वर्ड है, दो अक्षरों को जोड़ के मिला है, वो पाली के अंदर अगर शय से साथ जुड़े हुए हैं तो वो शब्द नहीं माने जाते, वो है ही नहीं। जैसे क्षत्रिय वाला छ नहीं है, क्षत्रिय वाला जो छ है वो आधे के और शय से मिलके बना है। जब शलजम वाला शय है ही नहीं तो क्षत्रिय वर्ड भी पाली का नहीं है। जो श्री वाला है, जिसको हम श्रेय बोलते हैं या श्री बोलते हैं, वो शब्द भी इसमें नहीं है, क्योंकि श्री जो बना हुआ है वो शय और रय से मिलके बना हुआ है, आधा शय आधा रय। तो जो श्रेय है वो शब्द भी इसमें अंदर नहीं है, इसलिए श्री नहीं है। श्री की जगह श्री है, यानी पुरानी भाषा में श्री है, और श्री माने होता था मुख्य यानी हेड, पाली के अंदर ये वहीं से है। और गय ज्ञानी वाला भी गय नहीं है, और त्रय शब्द भी नहीं है। त्रय शब्द क्यों नहीं है? त्रय शब्द इसलिए नहीं है कि तय और आधा रय मिलकर त्रय बना है। पूरी पाली के अंदर आधे रय का कोई शब्द ही नहीं है, यानी कि ऊपर जो आधा रय लगता है या नीचे आधा रय लगता है, ऐसा कोई शब्द पाली के अंदर नहीं है। इसलिए आप ये बात ध्यान कर लें कि अगर किसी में शय है, षटकोण वाला शय है, या क्षत्रिय वाला क्षय है, या ज्ञानी वाला ज्ञ है, या त्रय है, या श्री वाला श्रेय है, तो वो या आधा रय ऊपर लग रहा है या आधा रय नीचे है, तो वो शब्द पाली के नहीं है, वो मॉडिफाइड हैं, संस्कारित हैं, बाद में बने शब्द हैं, जो बाद में बनाए गए शब्द हैं। पाली, मूल पाली बहुत सरल है, और पूरे शब्द पूरे पूरे लगभग उसके अंदर हैं, आधे हैं तो वो उसके अंदर हैं और वो उसी के हैं, जैसे आधा चे आधा से आधा, मगर आधा रे नहीं है। पाली के अंदर एक शब्द है जो हिंदी ने बाद में खत्म किया गया, वो है आधा ले और रे। ये पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर बहुत बोला जाता है, आज भी बोला जाता है, जैसे बोला जाता है सोड़स, अब हम इसको क्या बोलते हैं, सोलह बोलते हैं। ये जो ले शब्द है ये आधा ले और ड़े है, तो इसको बोलते हैं सोड़स, या आधा ले और ड़े मिलके ये बनता है, तो ये ले की आवाज़ भी देता है और ड़े की भी आवाज़ देता है, तो सोड़स माने हो गया 16। ऐसा करके पंजाब के अंदर, पंजाबी में यानी गुरुमुखी में, और हरियाणा के अंदर जो हरियाणवी भाषा है उसके अंदर पाली के शब्दों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और बेसिकली पाली वहाँ अभी भी जीवित है, क्योंकि पाली के अंदर डे ढे ढे ळे ले इनका बहुत इस्तेमाल है, और ये सारा इस्तेमाल पंजाब में हरियाणा में आज भी जारी है। जैसे कि हांडता जो शब्द है, हांडता पाली का शब्द है, पाली में हांडते को बोलते हैं घूमता हुआ, घूम रहा है, और हरियाणा के अंदर आज भी इसको हांडता है। जैसे लड्डा है, लाडला है, ये सारे शब्द पाली के हैं और पाली से बने हुए हैं। पाली में जो एक सबसे मुख्य अक्षर है उसको बोलते हैं अनुस्वर, अनुस्वर बोलेंगे, और या बोलेंगे निगृहित। ये निगृहित और अनुस्वर इतने कमाल का शब्द है, ये ए के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, मगर इसको जो उच्चारित किया जाता है, जो प्रोनाउंस किया जाता है, जो बोला जाता है, जो इसका तर्जुमा है, जो कुछ इस तरह से आता है, जैसे मेरा नाम है सुधीर, सुधीर में बाद में अगर रे में एक बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सुधीर रंग। जैसे आप बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, तो आप बुद्धम बोलेंगे तो ये बाद की भाषा हो जाएगी, जिसमें हलंत हो गया, ये बाद की संस्कृत भाषा हो जाएगी, और हलंत चूंकि पाली में नहीं है, पुरानी भाषाओं में किसी में है ही नहीं, निगृहित है वो लगता है, ये निगृहित बाद में आवाज़ देता है अंग की, अंग यानी बुद्धंग, संघंग, धम्मंग, सुधीरंग, हर चीज़ में बाद में जिसमें बिंदी ऊपर लगे उसमें अंग करके बोला जाता है, और ये थोड़ा जोर से बोला जाता है। पाली के अंदर हलंत या विसर्ग नहीं होता, पाली बहुत सिंपल है।
और सबसे खास बात है पाली में ओ की मात्रा नहीं है, यानी औरत वाली जो दो मात्राएं होती हैं वो पाली में नहीं है, पाली में सिर्फ एक है। इसलिए बौद्ध जो शब्द है वो संस्कृत भाषा बाद का है, और जो ओरिजिनल शब्द है वो है बोध, बोध है या बौद्ध बाद में बना है, क्योंकि दो मात्राएं नहीं है। ऐसे ही इसके अंदर दो मात्राएं वैर में नहीं है, वेर है, ये सिक्का पतंग समाधिया में जो आता है वेर मणि है, वैर मणि नहीं है। यानी हम जो कहते हैं कि सुरा मेर मज्जा पमादि ठाना, वेर मणि है, वैर मणि नहीं है। तो दो मात्राएं इसमें नहीं होती, एक मात्रा होती है। पूरी पाली भाषा के अंदर कहीं भी दो मात्रा ऊपर आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ एक मात्रा मिलेगी। ये पाली की खास बात है। तो ये पाली में जो छोटी छोटी बातें हैं ये बहुत कमाल की हैं, और पाली के जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे, जितने भी शब्द हैं, शब्द को हम शब्द बोलते हैं पाली में, शब्द जितने भी वर्ड्स हैं या शब्द हैं वो लास्ट में जब भी ख़त्म होंगे वहाँ कोई ना कोई स्वर जरूर होगा। स्वर को यहाँ सरा बोलते हैं, सरा जरूर होगा, सरा का मतलब है वॉवल जरूर होगा, वॉवल का मतलब है कि पीछे कोई ना कोई मात्रा जरूर होगी। पाली के हर एक शब्द में कोई ना कोई मात्रा लास्ट में होगी, पाली का कोई भी शब्द लास्ट में आधा नहीं होता। अगर कुछ नहीं होगा तो उसमें एक ही आवाज़ आएगी, जैसे मेरा नाम है सुधीर, तो सुधीर में बाद में रे और ए है, आधा रे नहीं है। इसलिए पाली के सारे जितने भी शब्द हैं, ये खास बात है पाली की, वो सरा से स्वर से या जब वोवेल हैं उन पे जाके ख़त्म होते हैं। अब आपने पाली के लिए करना क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने 16वां वॉल्यूम जो दिया है, 16वां वॉल्यूम पूरा पाली का है, उसमें मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में, पाली पूरी दी हुई है, पाली के बारे में दिया हुआ है। वो बहुत मोटा वॉल्यूम है और वो 16 नंबर का वॉल्यूम है, वो पूरा पाली का है। आप इस बात को ध्यान से सोचिए कि दुनिया के 6ठे नंबर के विद्वान डॉक्टर अंबेडकर अगर अपने वॉल्यूम में 16वां वॉल्यूम पूरा पाली के नाम कर गए, तो पाली कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाली अगर आप सीखेंगे तो आपको पुरानी भाषा, प्राकृतिक भाषा समझने में आसानी रहेगी, धम्म समझने में आसानी रहेगी, और सारा जितना भी हिंदी है, जितना मराठी है, जितना गुजराती है, जितना पंजाबी है, जितना हरियाणवी है, यहाँ तक कि जो विदेशों में भी भाषा है जिनमें अंग सुंग जैंग पुंग बोला जाता है, उन सबके जितने भी अक्षर हैं जो बोले जा रहे हैं वो सब पाली से बने हैं, पूरी पूरी भाषाएं पाली से बनी हैं। इसलिए पाली सीखना बहुत ज़रूरी है और आपको वॉल्यूम नंबर 16 होना चाहिए। इसके अलावा पाली के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर गढ़पाल जी हैं, वो पाली सिखाते हैं, मैं इनबॉक्स में उनका नंबर दूंगा, उनके पास किताबें हैं, आप उनसे ले लें। इसके अलावा सम्यक प्रकाशन के पास किताबें हैं, उनसे मंगा लें। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटी हैं, उनमें जगह जगह पाली सिखाई जाती है, और पाली बहुत आसान है। आप शुरुआत कीजिए आज से ही, श की जगह स बोलना शुरू कर दीजिए, आधी पाली आपको यहीं आ जाएगी, और आधे जो रे वाले शब्द हैं वो हमारे नहीं हैं, उनको देखिए कि वो कैसे बनते हैं। जैसे कर्म शब्द है, कर्म को बोला जाता है कम, कम बोला जाता है, तो कम का कर्म वो किया गया है। और पाली में जितने भी शब्द हैं, जैसे जो आधे अक्षर हैं, जैसे पाण है, तो पाण को प्राण किया गया है, पाणाति पाता बोलते हैं ना हम, पाणाति पाता, तो प्राणाति पाता यानी बाद में संस्कारित किया तो उसको पाण को प्राण कर दिया। जैसे प्राकृतिक है, तो पक्ति, प्राकृति का है पक्ति, तो प्राकृतिक बोलते हैं पक्ति। इस तरह से ये शब्द लगातार 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 आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बहुत आसान है। अगले एपिसोड में मैं फिर आपको पाली के बारे में कुछ खास बात बताऊंगा। धन्यवाद।